वहां पर बड़ों का समर्थन ज्यादा नहीं था, वहां बच्चों के हाथ में थी बात, इस वजह से वो ज्यादा दूर तक लोकप्रिय नहीं करा पाए अपने। बोल भाई, लेकिन आउट गई भाई बोल। बिल्कुल बाहर है भाई, आउट बॉल है भाई, आउट नहीं रह रहा है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे बाहर लग रही है, तुम झूठ बोल रहे हो खिलाड़ी, इतने अच्छे खिलाड़ी होते हो झूठ बोलते हो। बाहर लग रही भाई ईमानदारी से। 9-6 है स्कोर, 9-6। 10-6 का स्कोर है भाई, 10-6 भाई। रामपाल को अपने उसी प्रदर्शन को दोहराना होगा जो अभी कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंड के एक गांव में इन्होंने बहुत ही शानदार, बस ये समझ लो कि इन्हीं का नाम बोला जा रहा था, पब्लिक जितनी थी वहां पर 10-6, 4 पॉइंटों की लीड है। लोग बेहोश होने को रहे, इनकी जो आक्रामकता थी बहुत ही खतरनाक थी, और सौभाग्य की बात है कि फर्स्ट भी इन्हीं की टीम रही थी, पहला स्थान ही नहीं मिला था। सभी खिलाड़ियों से निवेदन है, कैप्टन ऑब्जेक्शन कर सकता है, सभी खिलाड़ी मत चला करो। बहुत बढ़िया, और इसी के साथ अब लय में आना शुरू कर दिया उन्होंने भी, स्कोर बढ़कर 7-10 हो गया भाई, 7-10। भाई वाह समीर, समीर के 100 रुपए लग गए हुए, 7 रुपए खिलाड़ी के। बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पर गंगा जमुना एक साथ बह रही है आज रिवाड़ा महेश ने, बड़ी सौभाग्य की बात हो नहीं सकती, बहुत ही जब मुल्ला को मस्जिद में भगवान नजर आए, जब पंडित को मंदिर में रहमान नजर आए, फिर सूरत ही बदल जाए इस दुनिया की अगर इंसानों को इंसानों में इंसान नजर आए। बहुत बढ़िया, 12-8, 4 अंकों की लीड करनाल की, शुरुआत में पिछड़ गई थी, जब 5 स्कोर था उस समय पिछड़ रही थी टीम करनाल की, लेकिन उसके बाद आंख खोलकर खेला, 4 की लीड हो गई। साल के 200 रुपए लग गए, बहुत ही बढ़िया भाई, जैसे जैसे सूर्यास्त की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ही नामी राशि डबल होती जा रही है, जितना कौन बनेगा करोड़पति में, एक सवाल का जवाब दोगे तो 1000 बनेंगे, उसके बाद फिर डबल होते चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, चोरी करने की कोशिश की, आखिरकार चोरी भी इतनी सफाई से की कि सबूत नहीं छोड़ा, शानदार ड्रॉप डाला, खाली जगह देख करके। बहुत ही शानदार सर्विस, बहुत ही बढ़िया, काश मेरे मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो फिक्र मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। अब इन सेकंड लास्ट पॉइंट इन्होंने बना लिया, अब आखिर की जरूरत है। इसी के साथ 15 पॉइंट बना लिए और जीत गई टीम, पहला सेट कमाल विनर है, पहला सेट भाई, काफी मेहनत करनी पड़ी साल रिवाड़ा की टीम, रिवाड़ा की टीम में भाई कई भाई सर्विस में है, कोई रेलवे में, कोई एयरफोर्स में, कोई नेवी में, कोई आर्मी में है भाई, अच्छी टीम रिवाड़ा की है, लेकिन करनाल की टीम ने जो दिखाया है वो भी दिखाया भाई, बल बच चुकी है, दोनों टीमें जल्दी ग्राउंड में रिपोर्ट करें। साहिल रिवाड़ा की टीम अगर 21,000 को 31,000 बनाना चाहती है तो इस बार उलट फेर करना पड़ेगा। भाई जो लाइन जज है पीछे की तरफ दीपक भाई,
ये अपनी भूमिका निभाए और अब सूर्यास्त की तरफ जा रहा है, इस वजह से दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोशनी की जरूरत पड़ेगी। अंधेरे में रास्ता बनाना मुश्किल होता है और तूफान में दीपक जलाना मुश्किल होता है। दोस्ती किसी से भी कर लेना मुश्किल नहीं, दोस्ती को निभाना कितना मुश्किल होता है। बहुत बढ़िया भाई, देखो इन्होंने अपने हाथों का एंगल कहां बना रखा था, गोल कहां लगी, 1-0 भाई। तो इस तरह से जो पिछले सेट में हार का कारण बना वो इसी तरह की बातें थी, सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाए। 1-1 बराबर। वैसे रिवाड़ा की टीम ने प्रतिज्ञा कर ली है कि जीत से कम कुछ नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, डिफेंस तो खासकर मजबूत बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, इसी तरह से सूरज को आज पश्चिम से निकालना है। क्या बोल लगाई भाई, पावरफुल स्मैश। तो जबरदस्त स्मैश लगाई साहिल के 100 रुपये और आगे में 200। दो बराबर है भाई। तीन नंबर का आ जाएगा। 3-2। बहुत ही बढ़िया पॉइंट मिला यहाँ पर, रिकॉर्ड 3-3। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुझते हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता, हम अपनी माँ का चेहरा देखकर घर से निकलते हैं। साइड लाइन से बाहर 4-3। चार तीन। अभी तो बिना किसी संघर्ष के ही आदान प्रदान हो रहा है वैसे, कभी वे बाहर कर देते हैं, कभी वो नेट में मार देते हैं। जो लंबी रैली है वो नहीं हो पा रही। बहुत ही बढ़िया भाई, व्यक्ति 3 नंबर खिलाड़ी, जानदार शॉट। फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी और चांद सितारों से ज्यादा शान हो आपकी, जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद कि आसमान से ऊंची उड़ान हो आपकी। 100 रुपये लग गए व्यक्ति के भाई। ये भाई डबलिंग कर दी, पहले पैर से दूसरे बार में हाथ से 6-4 का स्कोर है भाई, 6-4। पहले जैसे रिवाज और पहले जैसी रीत नहीं रही, और पहले जैसी हार और पहले जैसी जीत नहीं रही, और अब तो डेरे में भी सोना सोना सफन है, जब से डेरे में हनीप्रीत नहीं रही। फेसबुक पे है भाई 7-4। फेसबुक 3 पॉइंट के लीड। कहाँ से बीच में अगर मिठाई मीठा खाते रहे और बीच में फिर नमक मिर्च ना मिले तो जायका खराब हो जाएगा, तो ये लगाना पड़ता है। ठीक है जी, खान साहब धन्यवाद आपका। रोटेशन में सर्विस देने के बाद फिर अपनी पोजीशन कहीं पर भी ले जा सकते हैं। दिल्ली NCR शूटिंग, सर्विस देते समय वही पर रखना होगा जहां पर फिक्स है। बहुत जबरदस्त, ये तो इतना खतरनाक तरीके से मारा था, पानी पर चली जाती बॉल अगर नेट में ना डकती।
नहीं दीपक भाई नहीं बता सकते, वो ड्यूटी पे है फिलहाल। निकाल के दे दे अपडेट से निकाल रही है। 6-8 2 पॉइंट से पीछे है। पहले जान से सर्विस और सीधे बाहर चली गई। 9-6 अभी तक तो 31,000 रुपए करनाल के पक्ष में झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, पर अभी आखिरी फैसला होना बाकी है क्योंकि उलटफेर कर सकती है टीम। अभी 10,000 का फर्क है, कम का नहीं है। बेहतरीन भाई वाह, वो दिन दिन नहीं, वो रात रात नहीं, वो पल पल नहीं जिस पल आपकी बात नहीं और आपकी याद से मौत हमें अलग कर दे, मौत की भी इतनी औकात नहीं। 11-7 और भाई अगर परसेंटेज से कैलकुलेशन किया जाए तो कम से कम 75% पलड़ा झुका हुआ है करनाल का। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। दिस इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। बहुत बढ़िया, यहाँ पर रामपाल ने थोड़ा सा भाई 5 नंबर के 100 रुपए लग गए। 8-12 पढ़ने जा रहे हो। 13-8 तो भाई यहाँ पर चैंपियन बनती हुई 13-8 का स्कोर है। 13-8 करनाल वाली टीम। लो भाई भतीजे ने चाचा का बदला उतार दिया, उसके दावेदार पहले चाचा उपयेदा रहा था समीर का आसिफ रेलवे में, और इस बार भतीजे ने वो बदला उतार कर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया और समीर की टीम अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खान साहब ताली बजाने का समय आ गया। बिल्कुल सही कह रहे जी, और जो ताली बजाता है हमारे मुख्य अतिथि डागर साहब ने 21,000 रुपए का हमारे खेल कबड्डी में योगदान दिया। ताली बजाते भाई, जोरदार ताली है भाई। जो दूसरे पुरस्कार राशि है वो 21,000 है, उपजेता टीम की जो इनामी राशि है वो 21,000 है। हम डागर साहब का उपायुक्त महोदय का गाँव की तरफ से, खेल कमेटी की तरफ से, सभी कोचिंग साहिबान की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत ही बढ़िया भाई योगदान किया है इन्होंने, और ये 15 और आखिरी पॉइंट चाहिए भाई अब। विनिंग पॉइंट रिक्वायर्ड टू विन टू करनाल। भीड़ में दुनिया की पहचान बनाए रखना और घर में खुशियों की दालान बनाए रखना, मुसीबतें आएंगी तो आके लौट जाएंगी, बस अपने होठों पे सदा मुस्कान बनाए रखना। 11-14 और इसी के साथ चैंपियन करनाल की टीम भाई विनर रही इस मैच में, फर्स्ट आई है भाई। बहुत ही बढ़िया भाई, अब अगले बार मुलाकात होगी भाई। आंखों में महफूज रखना सितारों को, अब दूर तरफ से रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी हो मुसाफिर हम भी हैं। अगले बार आपसे फिर मुलाकात होगी। टूर्नामेंट जो करवा गया था, पहला ही टूर्नामेंट था अपने दिल्ली एनसीआर पेज पे लाइव, आगे की वजह से टूर्नामेंट भी करवाया करेंगे अपने पेज पे लाइव दिल्ली एनसीआर पे। भाई सानिया मिर्जा के ऊपर कहना चाहूंगा, भाई सानिया मिर्जा की शादी पाकिस्तान में हुई थी तो उसके ऊपर मैंने बना रखा है। आगे से अच्छे अच्छे मैच देखेंगे, इससे प्यार करना था तो हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शुक्रसान से करती, शोएब जैसे पाकिस्तानी से क्या मिला तुमको, अगर शादी कर ली तो भारत के यूसुफ पठान से करती। चैनल को भी अपना इसी नाम से दिल्ली एनसीआर के नाम से ही है भाई, मोटा भाई चलाता है इस पेज को, मोटा और लोचब। तो भाई ज्यादा से ज्यादा अपने पेज को लाइक और शेयर करो भाई, सभी भाइयों से अनुरोध।
यूट्यूब पे भी अपना चैनल है भाई, और भाई जंपिंग के सभी टूर्नामेंटों के मैच देखे हैं भाई, अच्छे अच्छे फाइनल सेमीफाइनल, अंकित पथरेड़ी, अंकित बहादुरगढ़, मंचल, अश्विन, गुंडू सौतला, जयदीप चलाना भाई, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जो मतलब शूटिंग होगी उनके सभी के मैच डाल रखे हैं भाई यूट्यूब पे फाइनल सेमीफाइनल। तो भाई सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई कोई मिस्टेक हुई हो भाई अपनी कमेंट में तो भाई सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, माफ करना भाई, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है भाई, बाय बाय भाई सभी भाइयों को, मिलते हैं कभी, चलेंगे भाई, बाय बाय।